अमर शहीदों का चारण उनके जस गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है और इसलिए ये जो स्थान है यहाँ पर वीरांगना रानी जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य पुरानी सरकारों को नहीं मिला, मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। जगह जगह पर हम इस तरह के स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं और आज जब मैं आया हूँ तो वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्मस्थली ये मनकेड़ी गांव, ये तो अब हमारे रानी अवंतीबाई जो लोधी सागर परियोजना है उसमें डूब गया, लेकिन इस स्थान पर मनकेड़ी के पास मूर्ति से सटी हुई जमीन पर हम एक बढ़िया, मैं आपसे कहता हूँ अध्यक्ष जी आप भी बैठे, इस क्षेत्र के सारे प्रमुख साथी बैठे, आप स्वयं कल्पना कीजिए यहाँ रानी की वीर गाथाएं उकेरते हुए हम यहाँ स्मारक बनाने का काम करेंगे। प्रतिमा तो लगी है लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा बना के आसपास की जमीन एनबीडीए के पास है, उसमें से जितनी उपयुक्त जमीन होगी वो एनबीडीए से लेके यहाँ स्मारक और पार्क का निर्माण किया जाएगा। और आपने अभी जो मांग की यहाँ पे के राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के नाम पर यहाँ के कॉलेज का नाम किया जाए, उसका भी हम हृदय से आदर करते हैं, उसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इन वीरों के नाम पर निश्चित तौर पर हम किसी ना किसी स्थान का नाम रखते हुए चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर गाथाओं को सुने जाने और प्रेरणा प्राप्त करें। हमने ये भी तय किया है कि बच्चे जो किताबें पढ़ेंगे स्कूलों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई का पाठ भी पढ़ाया जाए, रघुनाथ शाह शंकर शाह उनके पाठ भी हम पढ़ाएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे वीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया भारत माता के चरणों में।